प्रिय मित्रों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर से वार्ता का क्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। पिछला कुछ समय गर्मियों की छुट्टी में व्यतीत हुआ और इस बार जो अनुभव किया वो पहाड़ की कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि सामान्यतया कम ही लोग जाते हैं, और एक रिजुविनेशन के बाद पुनः फिर से एक बार ड्यूटी पर यहाँ पर आ चुका हूँ। आते ही जैसा कि आपने विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से ये सुना होगा कि दिल्ली में पुनः कुछ कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि चिंता का कोई विषय नहीं है। अब ये जो फ्लू है जिसको हम चाइनीज़ फ्लू या फिर कोविड-19 डिजीज़ कहते हैं, अब ये अपनी एक एडेप्टेशन फेज में पहुंच चुका है और इसने अब जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, जो हमारा शरीर है उसके साथ तारतम्य बैठाने के लिए अब ये बहुत ही एक सामान्य रूप में, जो नॉर्मल फ्लू होता है उसके रूप में अब ये आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है और किसी भी डिजीज़ के लिए उसका कम घातक होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए अब इतना चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, यदि मॉर्टेलिटी इसमें अब नाम मात्र के बराबर रह गई है, लेकिन मॉर्बिडिटी तो है ही। मॉर्बिडिटी से अभिप्राय ये है कि आपको सिम्टम तो आते ही हैं, बुखार भी आता है और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम हैं, इस बार कुछ गले के सिम्टम्स ज़्यादा लोग बता रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ी खांसी या इस तरह की चीज़ें भी इसमें रहती हैं। बट इनिशियली जो है वो बुखार कुछ लोगों को आता है, कुछ को सामान्य आ रहा है, कुछ को करीब करीब 103 तक भी फीवर जा रहा है और उनको लगभग लगभग ये 2 से 3 दिन में सामान्य फ्लू की सामान्य होता भी जा रहा है। तो इसमें अब सावधानियाँ यही बरतनी है कि यदि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आता है जिसमें कि शरीर गिरा गिरा सा महसूस होता हो, थोड़ा लेक ऑफ एंथुसियाज्म हो, ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ हमको पेन फील हो रहा है, फीवर आ रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम जैसे कि छींके, नाक का बहना और पर्टिकुलरली गले में दर्द, यदि ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ इसी तरीके के वायरस हैं। और बहुत से लोगों को अब सबसे बढ़िया बात यह है कि वो अपना आराम करें, जितना आराम करेंगे उतनी ही जल्दी इसकी रिकवरी होगी, बहुत अधिक कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन का तो कोई अब समस्या नहीं है, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन है, मैक्सिमम रोगी स्वतः ही अपने आप घर पर ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आपके अपने निजी चिकित्सक हैं, फिजिशियन हैं, उनका परामर्श अवश्य लें और उनके परामर्श में जो आवश्यक दवाइयां हैं, बुखार कम करने वाली दवाइयां, गले को रिलैक्स करने वाली दवाइयां, बहुत लिमिटेड सी दवाइयों में ये 2-3 से 3 दिन में सामान्य होता जा रहा है। तो अब ये एक अच्छा हमारे लिए समय हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 ने पिछले करीब 2020 से लेकर के 2021 में भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न की हैं, जान का तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो थे वो उनको बहुत ही आघात पहुंचा है, पर्टिकुलरली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। लेकिन इस बार तो कमाल हो गया, जितना लोग घरों में बैठे थे इस बार लगभग लगभग सभी लोग बाहर निकल रहे हैं और इसी कारण से वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ट्रैफिक जैम्स लग रहे हैं और लगभग लगभग, लेकिन अच्छा है, एक बिजनेस के हिसाब से अच्छा है ये बात। तो ये सब समस्या अब हम ये मान के चलते हैं कि अब कोविड से आने वाले समय में संभवतः कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है और हम अब लगभग लगभग नॉर्मलसी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम होते हैं तो खुले में न घूमें, अभी भी जितना संभव हो सके मास्क एक बहुत अच्छा उपाय है, मास्क जरूर पहन कर रखें यदि ऐसा लगता है। और बाहर जाते समय बेशक गवर्नमेंट ने अभी जो मास्क हैं उन पे पेनल्टी ख़त्म कर दी है, मतलब मास्क न लगाने पर, लेकिन आप अभी भी पहन के रखें, ये अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा उपाय है। और बाकी सामान्य अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो अपने आप को घर में रेस्ट करिए 2-3 दिन 4 दिन, जब तक भी आप सिम्टम फ्री नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद ही आप अपने रूटीन कार्य पर आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये अपना जो संबोधन है उसको विराम देता हूँ।
धन्यवाद।